जिलाधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। जिला मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज राज्य सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर तेज कर दिया है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के महंगाई भत्ता पर रोक लगाने के आदेश की प्रतियां जलाई हैं और उन्होंने काला फीता लगाकर विरोध करने की चेतावनी दी और राज्य सरकार से महंगाई भत्ता रोके जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए महंगाई भत्ता नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता को लेकर के छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई वेतन को रोका गया है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में काली पट्टी लगा करके हम विरोध प्रदर्शन किए और सरकार नहीं जागी, इस वजह से आज उनके आदेश की प्रति को जला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आने वाला समय में यदि हमारी बात खड़ी नहीं होती, मानती नहीं सरकार, तो और उग्र प्रदर्शन ऊपर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ रायपुर के मार्गदर्शन में उनके आह्वान पर छत्तीसगढ़ के समस्त जिला और तहसील मुख्यालय में आज विरोध दिवस हम मना रहे हैं और इसके पीछे का कारण ये है कि 27 मई को शासन ने एक आदेश जारी किया जिसमें प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उस पर रोक लगा दी और उसके खिलाफ प्रदेश स्तर के नेतृत्व ने निर्देशित किया कि राज्य स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा और जिसके तहत हमने 10 जून से लगातार जितने भी हमारे कर्मचारी ऑफिस में काम कर रहे थे सभी ने विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर काम करते रहे हैं और इस बीच लगातार सचिव स्तर पर, सरकार स्तर पर प्रांतीय नेतृत्व ने ज्ञापन सौंप कर प्रयास किया कि किसी भी प्रकार इस आदेश को निरस्त कर दिया जाए और वेतन वृद्धि बहाल की जाए, लेकिन आज पर्यंत किसी प्रकार की कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं ली गई। तत्पश्चात ये निर्णय लिया गया कि जो भी आदेश 27 मई को वेतन वृद्धि रोकने के लिए जारी किया गया था उसकी प्रति जलाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।